साथ सड़कों पर किसी भी मजहबी प्रोग्राम की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि यूपी हुकूमत ने जारी किया है गाइडलाइंस, ईद और अक्षय तृतीय के पेश नजर ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जायजा मीटिंग की जिसके बाद ये फैसला लिया गया। बड़ी खबर है आइंदा त्योहारों के हवाले से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम को पुख्ता बनाना एक बड़ा चैलेंज इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। सड़कों पर किसी भी मजहबी प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि आज कानून निजाम का जायजा लिया गया इस मीटिंग में, और इसी मीटिंग में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। ईद और अक्षय तृतीया के पेश नजर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके तहत सड़कों पर अब कोई भी त्योहार मनाने की इजाजत नहीं होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर किसी भी मजहबी प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूपी हुकूमत ने नई गाइडलाइंस जारी की है। ईद और अक्षय तृतीया के पेश नजर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि यूपी हुकूमत की जायजा मीटिंग हुई जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर किसी तरह के भी त्योहार को मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई प्रोग्राम रोड पर मुनाकिद नहीं किया जाएगा। ईद और अक्षय तृतीया के पेश नजर ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कानून निजाम को बेहतर बनाना है, पुलिस का जो काम है उसमें कोई रुकावट ना आए, किसी तरह का कोई फिरका वाराना जो तशद्दुद है वो ना भड़के, इसका खास ख्याल रखा जाना है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। यूपी हुकूमत की जायजा मीटिंग हुई जिसमें इस फैसले पर मुहर लगी, ये बड़ा ऐलान किया गया।